नर्सरी अध्यापिका संघ ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले नर्सरी ट्रेन टीचर का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी अधिकम चौधरी से मिला और उनके माध्यम से विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन प्रदेश सरकार को प्रेषित किया। बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार ने नर्सरी ट्रेन टीचर के पद भरने का जो निर्णय लिया है उसके नियमों में बदलाव किया जाए। प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिका संघ की मंडी जिला सदस्य निशा सैनी ने प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग से मांग करते हुए कहा कि एनटीटी के पदों को भरने की आयु सीमा की शर्त को हटाया जाए। वहीं शिक्षा विभाग ने जो 2 साल का प्रशिक्षण कोर्स मांगा है उसमें 1 साल का डिप्लोमा अनिवार्य किया जाए ताकि हजारों महिलाओं को रोजगार मिल सके और बैच वाइज भर्ती की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जो पोस्टें हैं, सबसे पहले तो ये है कि आपने हमारे लिए इतना किया। जो काम हो चुका है वो आपका आभार है। हम व्यक्त करते हैं इस चीज़ को कि ये काम किसी के बस में नहीं था जो आपने किया। अब आगे इसमें जो कंडीशंस लगाई गई हैं, मैं यही चाहती हूँ कि इनको हटाया जाए ताकि मेरी सभी बहनों को जो है रोज़गार मिल सके। कंडीशंस लगाई गई हैं इसमें 35 इयर्स का डिप्लोमा, एज का बताया हुआ उन्होंने, तो एज तो 35 हटाई जाए, इसमें आयु सीमा में छूट दी जाए और जो 2 साल का डिप्लोमा है उसको 1 साल का किया जाए। और हमें पूर्ण विश्वास है आप इस चीज़ को गंभीरता से लेंगे। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री बीर सिंह भारद्वाज ने कहा कि सरकार द्वारा जो एनटीटी के पदों को भरने का फैसला लिया है वह सराहनीय है, लेकिन इन पदों को भरने को लेकर आयु सीमा और डिप्लोमा में बदलाव किया गया है, उससे काफी अध्यापिकाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि इन दोनों कंडीशनों को हटाया जाए। नंबर एक कि 35 वर्ष की जो आयु है सभी नौकरियों में जो 18-45 तो होती है, तो इसमें जो 35 साल करने की आवश्यकता क्या थी ऐसी। नंबर दो, जो 2 साल का जो डिप्लोमा है उसको जो है 1 साल करने की कृपा करें, क्योंकि अधिकतर महिलाओं ने जो है 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। दूसरे राज्य में भी जो है एनटीटी की जो जब भर्ती हुई वहाँ पर भी जो है कि 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, इसीलिए हमारा आप लोगों के माध्यम से हमने जो द्वारा आज मुख्यमंत्री जी से जो भी हमने ये मांग पत्र दिया। और 2 दिन पहले हमारा एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में मुख्यमंत्री जी से मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमको आश्वासन दिया है कि हम इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। और हमें उम्मीद है, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने एनटीटी के पदों को भरने के लिए हामी भरी है। हमें उम्मीद है कि 2-3 महीने के अंदर जो है इन पदों को माननीय जयराम ठाकुर जी जो भरेंगे। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।